हेलो माय ड्यू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का फोर्थ पार्ट। बाकी के पार्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक ऊपर आ रहा है, पहले आप इसे देखिए उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ओके, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, राइट एंगल डेट बी, बी पर राइट एंगल है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वो कर देते हैं, पहले हम ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, हम ट्राइंगल एक एबीसी बना ले रहे हैं, भाई कह रहा है तो बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट एंगल है तो इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पर हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए, तो बी पर क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री, तो मैंने बी इसे दे दिया, तो बी तो निकल गया, तो बचा क्या, ए और सी बचा ना, ए बी सी में से बी तो निकल गया, ए और सी बचा, तो मैंने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, बात खत्म। बी मैंने फिक्स रखा है कि 90 डिग्री पे बनेगा। ओके, ए और सी आप कहीं भी दे सकते हैं, ए मैं चाहे यहाँ पे लिख देता, सी मैं चाहे यहाँ पे लिख देता, तब भी हमारा क्वेश्चन आ जाता, लेकिन जो हमारा 90 डिग्री पे बी है वो हमको कंडीशन में दे रखा है, वो हमने यहीं पे रखना है, चेंज नहीं करना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे समझना, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, समझते रहना, हलवा कर दूंगा बिल्कुल। टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। ओके, अब देखिए 10 क्या होता है, 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ही तो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के ऊपर लिखा हुआ है, 10 के नीचे लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा, हमने अच्छे से पढ़ रखा है। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए अब हमको निकालना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। अब समझना बात ध्यान से, यहाँ पे एंगल क्या, एंगल 10 पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए बन रहा है, तो जो ए है वो हमारा थीटा है, यानी कि एंगल बना रहा है। अगर ए आप यहाँ पे लेते हैं तो एंगल ये बनता, मैंने ए यहाँ पे लिया था तो एंगल मैंने यहाँ पे बनाया, इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना, ए पर एंगल बनाना। मैं 10 क्या कि जो भी एंगल हो, जो भी नंबर हो, थीटा हो, ए बी सी जो भी हो, उसी पर बनेगा हमारा एंगल। ओके, टेन ए पर हमारा जो भी एंगल हो, थीटा हो, ए बी सी कुछ भी हो, यहाँ पर 10 के जस्ट आगे वहीं पे बनता है हमारा एंगल। अगर यहाँ पे बी होता या यहाँ पे सी होता, क्या होता, सी होता, तो मैं सी पे बना देता एंगल, ठीक है ना, बस बात खत्म। यहाँ पे या तो ए होता, यहाँ तो यहाँ पे सी होता, बी नहीं होता क्योंकि बी पे हमारा 90 डिग्री बन चुका है, बात खत्म, ठीक है ना। ए हमारा है तो ए पे मैंने बना दिया एंगल। अब 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। एंगल जहां बनता है उसके सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, पता है कि नहीं, भूल तो नहीं गया ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस मिल चुका है। परपेंडिकुलर क्या कितना है, 1, तो परपेंडिकुलर हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है ना। बेस क्या है, √3, तो बेस में हमारा हो जाएगा √3। हाइपोटेनियस हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं, जी हाँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको वीडियो पूरी करा रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पेरपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस हमें पता ही नहीं है क्या है, ए सी, कोई वैल्यू नहीं पता ना, तो ए सी है हमारा, तो इस हाइपोटेनियस के प्लेस में हमारा हो गया ए सी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू था इक्वल टू लगा दिया, फिर है बी, बेस, बी फॉर बेस, तो बेस क्या हमारा √3, तो बेस हो जाएगा हमारा √3। ओके, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर है पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, तो बी सी यानी कि 1, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो पी के प्लेस पे 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसे हम करने वाले हैं सॉल्व अपने तरीके से। ओके, जल्दी से देखिए, ए सी का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे ए सी का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू, फिर है √3। अब √3 का स्क्वायर कैसे निकलता है, मैंने भी आपको बताया था जो स्क्वायर से होता है वो रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3, फिर प्लस लिख दिया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए सी का जो स्क्वायर है वो हमारा आ गया 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया,
अब एसी कितना आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, क्या किस में कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, तो स्क्वायर अंदर इधर चला गया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो फोर पे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, तो फोर का रूट कितना होता है, टू होता है, स्क्वायर इधर जाता है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इतना तो पता ही है ना, इतना तो सीख गए होगे ना अब तक, क्लियर है ना बात, इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अपने तरीके से, ई सी इज इक्वल टू हमारा आ गया टू, पहले लिख लेते हैं ठीक है ना ये बात। अब देखिए, अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, यानी यहाँ पे टोटल चार चीज़ें हैं, आपको दो दिख रही होंगी, आपको सोचेंगे एक तो साइन है दूसरा कॉस है, जी नहीं, यहाँ पे साइन क्या है कितना एंगल है ए, यहाँ पे साइन क्या है कितना एंगल है सी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए, क्या निकालते हैं साइन ए, समझना बात ध्यान से भाई, इनकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो रख पाएंगे, साइन ए निकालते हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना, एंगल देखिए यहाँ पे एंगल है हमारा ए, कितना एंगल है ए एंगल है, जो जो एंगल ए है इसका मतलब कि यहाँ पे बनेगा हमारा एंगल, ठीक है ना, मतलब इसके आगे जो भी होता है ना एंगल ए बी सी डी जो भी होता है उसी पे बनता है हमारा एंगल, यहाँ पे ए है तो एंगल यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ पे सी होता है जो कि अभी आएगा तो एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ठीक ना, यानी कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं, तो साइन होता है हमारा पेरपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पेरपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके क्लियर। अब देखिए बात ध्यान से समझिएगा, पेरपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये एंगल है ना ए, यहाँ पे ए है तो ए पे बनेगा एंगल, तो ए इसके सामने वाला पेरपेंडिकुलर, तो ये पी हमारा हो गया वन, इतना तो आपको आसान लगा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस हो गया टू, ठीक है ना, तो साइन ए की वैल्यू तो आपने ऐसे धड़ाके से निकाल ली देखते ही, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉस सी की, किसकी बात करते हैं कॉस सी की, अब बात समझिएगा, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है कॉस, ठीक है ना, बेस कितना हो जाएगा आप समझिए, यहाँ पे कॉस के कितना है सी, तो जब एंगल बनेगा वो बनेगा सी पर, अब ए पर नहीं बनेगा, किस पे बनेगा सी पर बनेगा, किस पे बनेगा सी पर बनेगा, अब समझना बात, अब जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया वो एंगल के सामने वाला, तो एंगल किस पे बन रहा है सी पे बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 के सामने वाला, तो बेस क्या है, बेस हमारा है ये नीचे वाला, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है बात, कॉस सी ऐसे ही निकलेगा, ओके ये नहीं है अब हमारा एंगल, हमारा एंगल ये है क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी, तो बेस कितना है, बेस हमारा है वन, तो इसके आगे वन हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारा टू फिक्स रहेगा, तो हमारा कॉस सी भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए कॉस सी आ गया, साइन ए कॉस सी आ गया, अब हमको चाहिए कितना है कॉस ए, कितना चाहिए है कॉस ए, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कॉस ए निकालने के लिए, अब देखिए कैसे निकलेगा हमारा कॉस ए, क्या निकालना है हमें कॉस ए, तो देखिए कैसे निकलेगा कॉस ए, अब देखिए यहाँ पे कितना ए, तो अब एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, ए पे बनेगा, सी पर नहीं बनेगा, समझे कि नहीं, जो यहाँ पे होता है उस वही एंगल बनता है, तो यानी कि एंगल के सामने वाला अब क्या होगा पेरपेंडिकुलर, बेस नहीं होगा ये क्या होगा पेरपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है, और जो एंगल होता है उसके सामने वाला पेरपेंडिकुलर होता है, तो ये पेरपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस 90 के सामने फिक्स है, तो ये क्या हुआ बचा हुआ, ये हुआ बेस, ये क्या हुआ बेस। अब देखिए कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा देखिए बेस हमारा है रूट थ्री, कितना है अंडर रूट थ्री, तो ऊपर अंडर रूट थ्री, हाइपोटेनियस कितना है हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला यानी कि टू, यहाँ पे कितना आ गया टू आ गया, तो हमारा कॉस ए भी हो गया। अब बचा साइन सी, क्या हमारे पास है साइन सी, अब देखिए साइन सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे समझिए, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे कितना, यहाँ पे सी है, याद रखिएगा यहाँ पे सी है, तो सी पे बनेगा एंगल, अब ए पे नहीं बनेगा, समझे कि नहीं, मतलब जो यहाँ पे होता है उस पे एंगल बनता है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे एंगल चेंज होते हैं ना तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, अगर ये चेंज होगा ए और सी देखिए होता रहा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चेंज होते रहे, ठीक है ना, हमको बस परपेंडिकुलर पे फोकस करना है, बेस अपने सॉरी परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हमको क्या करना है सिर्फ परपेंडिकुलर पे फोकस करना है, बेस अपने आप मिल जाएगा, तो यहाँ पे सी है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा जी ये हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है रूट थ्री, तो इसके प्लेस पे अंडर रूट थ्री अपॉन एच, एच कितना है एच हाइपोटेनियस यानी कि टू, तो देखिए इतना हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया साइन ए कॉस सी,
कॉस है और साइन से इतना हमारे पास आ गया। अब हम ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, बात खत्म। तो मैं थोड़ा इरेज करूंगा, जिसको उतारना है उतार सकता है। ओके चलिए अब इस वैल्यू के फटाफट से फाइंड करते हैं। देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 ये चारों वैल्यू जो यहाँ पे लिखी थी मैंने इरेज करके यहाँ लिख दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। अब जल्दी से रखते हैं, फटाफट देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। यहाँ पे लिखा है साइन ए, साइन ए कितना है, साइन ए हमारा है 1/2, तो इस साइन ए के प्लेस पे हो गया 1/2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगेगी क्योंकि कॉस और यहाँ पे बीच में होती है मल्टीप्लाई। फिर है कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, तो यहाँ भी हो गया 1/2। ठीक है, फिर प्लस, फिर प्लस लगा दिया। फिर कितना है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू हमारी है 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। ओके, फिर हमारे पास है साइन सी, तो इससे पहले लगेगी मल्टीप्लाई। साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू है 3/2, इसकी भी 3/2 है। बताइए बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/1 की मल्टीप्लाई 1, और ये कितना हो जाएगा 2/4, 2/4 ही तो होता है। फिर प्लस, फिर देखिए √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, √3 की मल्टीप्लाई होती है 3। इन दोनों कुछ मल्टीप्लाई लगी ना, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए √3 × √3 होता है कितना, देखिए 3 और 3 की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3 × 3 = 9, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो इस पर भी रूट आ जाएगा। तो 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट तो भाई 3 होता है, तो इस √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, ऐसे आई है ये। फिर 2 × 2 = नीचे कितना हो जाएगा 4, आई बात समझ में। इसकी मल्टीप्लाई इतनी आई, इसकी मल्टीप्लाई इतनी आई, प्लस का प्लस लिखा हुआ है। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, अभी एलसीएम लेने का। अपॉन खींचिए, नीचे देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ मैंने लगा दिया 4, मतलब दोनों जगह सेम नंबर है, तो मैंने सेम नंबर रख दिया। ऊपर कितना है 1+3, कितना है 1+3, तो मैंने बस सेम उठा दिया 1+3, ऊपर जो है वही ऊपर छाप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1+3 = 4, अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 4 बन जा 4, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया पूरी तरीके से सॉल्व। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके चलिए अब जल्दी से 9 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कॉस ए, क्या लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है 3/2, तो इस कॉस ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3/2। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच होती है मल्टीप्लाई। फिर है कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी, कॉस सी की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इसके प्लेस पर। फिर माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे साइन ए, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन ए के प्लेस पे फिर से 1/2। फिर इन दोनों के बीच होती है मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर है साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू है 3/2, तो साइन सी के प्लेस पे मैंने लिख दिया 3/2। रख गई हमारी सारी वैल्यू, इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3/2, और 2 और 2 = 2, 2 = कितना होता है 4 होता है, यानी ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई यहाँ पे, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई यहाँ पे, माइनस है माइनस लगा दिया। 1 की √3 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3 ही हो जाएगी। फिर अपॉन है 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई, बस बात खत्म। आप देखिए क्या होगा, बिल्कुल देखिए अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गए, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। √3/4 यहाँ पे, √3/4 यहाँ पे, ये माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, अपोजिट साइन, सेम चीजें, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 0, तो क्वेश्चन हमारा खत्म। तो 9 क्वेश्चन के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड खत्म हो गए। बस ट्रिक क्या थी, इसको निकालना था, जो इसको निकालना सीख गया होगा तो वो इसके जैसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखें, समझ में जरूर आ जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, राइट एंगल डेट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, यानी कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगी। देखिए हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, मैंने ये बना दिया, बात खत्म। राइट एंगल डेट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, यानी क्यू पर 90 डिग्री है, तो क्यू पर मैंने क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, बात खत्म। अब हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो क्यू तो निकल गया, बचा गया P और R, तो P मैंने यहाँ बना दिया, R मैंने यहाँ बना दिया, तो आप चाहे तो R यहाँ P यहाँ बना दीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट एंगल यानी 90 डिग्री Q पर ही बनेगा बस। उसके बाद आपसे कह रहा है जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो PQ, P और Q यही तो है ना, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बना दिया, ये हमको फिक्स दे रखा था, लेकिन आगे कह रखा है P
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर और क्यू आर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ना ही हमें पी आर की वैल्यू पता है और ना ही हमें क्यू आर की वैल्यू पता है, तो 25 हम रखें क्या इसमें या इसमें रखें? तो देखिए इन दोनों का एडिशन है 25, तो हमको इन दोनों की फिक्स वैल्यू नहीं पता है। आगे क्या कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, फटाफट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसी भी एक चीज को लेट कर लीजिए, चाहे आप पी आर को लेट करिए चाहे आप क्यू आर को लेट करिए। चलिए मैं कर रहा हूँ पी आर को लेट, तो मैंने पी आर को एक्स लेट कर लिया, ठीक है ना, मैंने पी आर को यानी कि जो पी आर है इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया एक्स, आपको करना पड़ेगा भाई। उसके बाद देखिए पी आर हमारा एक्स हो गया, हमको क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 ही हमको दे रखा है। पी आर कितना है, पी आर एक्स है, तो इसके प्लेस में हमने क्या रख दिया एक्स रख दिया, फिर प्लस, फिर क्यू आर इज इक्वल टू 25। ओके अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्यू आर को अकेला करेंगे। तो क्यू आर को जब अकेला करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25, जो एक्स है वो उधर चला जाएगा इक्वल टू के, ये प्लस का है, किसका है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। इक्वल टू के कोई भी चीज़ इधर उधर जाती है तो अपने साइन को चेंज करती है, यानी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। तो हमारा जो क्यू आर है वो आ गया 25 माइनस एक्स, जो क्यू आर है हमारा वो आ गया 25 माइनस एक्स। तो देखिए तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, लेकिन हमें अभी x की पर्टिकुलर नंबर नहीं मिला कि इसका नंबर क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस लगता ही लगता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए वीडियो मैंने बना रखी है, करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लीजिए जाके, ठीक है ना। ओके ये क्या होता है, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पेरपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो आपकी 4 मार्क्स की आती है पेपर में, और इससे लाने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके हाइपरटेनियस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, पेरपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिसाइड करना हमको मुश्किल पड़ जाता है कि हाइपरटेनियस और बेस और पेरपेंडिकुलर क्या हो सकता है। 90 के सामने वाला तो हाइपरटेनियस होगा, फिक्स हो चुका है। तो 90 के सामने क्या है, 90 के सामने हमारा है क्या है एक्स, तो x हमारा हाइपोटेनियस है, ये कि हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के प्लेस पे x स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर इक्वल टू था इक्वल टू लगा दिया। अब बेस और पेरपेंडिकुलर आप किसी को ले लीजिए, चाहे आप इसे ले लीजिए बेस, चाहे आप इसे ले लीजिए बेस, तो ठीक है ना। तो मैं बेस क्या कह रहा हूँ, इसे ले ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप बेस इसे भी ले सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। तो b के प्लेस में मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया और पेरपेंडिकुलर, इसे मैंने बेस लिया तो पेरपेंडिकुलर ये होगा, तो पेरपेंडिकुलर क्या हो गया 25 माइनस एक्स। लेकिन इसे एक बात, इस स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, एक बात याद रखिएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो जो पी आर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, क्योंकि 90 हमने यहाँ पे लिया है। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू लिखा है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की 2 बार मल्टीप्लाई 5 जा 25, फिर प्लस एफ प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। देखिए ब्रैकेट के अंदर इस होल स्क्वायर है, तो मैंने इसे a ले लिया, इसे b ले लिया, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे a स्क्वायर, तो a कितना हमारे पास, a है 25, तो 25 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट वाला वो सॉरी फॉर्मूले वाला, फिर प्लस फॉर्मूले वाला प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर होता है बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या, बी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, फिर है माइनस, माइनस लगा दिया, फिर है 2, फिर मैंने 2 लगा दिया, फिर है ए, क्या है ए, ए कितना, ए 25 है तो मल्टीप्लाई में 25 लगेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर बी, बी कितना है, बी हमारे पास एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा दिया। ओके फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 25 है 25 लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी कि 25 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 25 की 2 बार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 25 × 25 = 625 करके देखिए यही आएगी, प्लस फिर एक्स स्क्वायर, फिर मैंने एक्स स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, 25 × 2 = 50, फिर एक्स था तो मैंने एक्स लगा दिया। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई आकर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फटाफट से इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिए, जल्दी से तुरंत 2 मिनट के अंदर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे का वैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक समझिए इस बात को, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। जो आप कहेंगे सर ये कैसे आपने कर दिया, तो बिल्कुल हो सकता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। देखिए कैसे होगा, अगर आप प्लस का एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये है,
उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 25 प्लस 625, तो 25 और 625 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 650। कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, लगा दिया। फिर इक्वल टू था, इक्वल टू भी लगा दिया। अब ये जो माइनस का 50x है वो इक्वल टू के उधर चला गया, माइनस का जो 50x है इक्वल टू के किधर चला गया, उधर चला गया, तो प्लस का 50x हो गया। ये बात समझ में आ गई, यहाँ से मैंने x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, जीरो। और जो 50x जो माइनस का है उधर जाएगा, तो जीरो में ऐड हो जाएगा। जीरो में कोई भी चीज़ ऐड करिए वही नंबर रहता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कितना बचा, 50x बचा। मतलब सीधी सी बात है, माइनस से उधर चला गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू लगाए, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इतना लिख दिया, बात खत्म। अब x को अकेला करेंगे, तो x को अकेला कैसे करेंगे कि 650, और ये ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे जाती है तो डिवाइड में कन्वर्ट होती है, यानी कि मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे गई तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गई, इक्वल टू के इधर जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी है तो। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, सॉरी 12 नहीं 15, कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 करके देखिए, तो x हमारे पास आ गया 15। कितना आ गया, 13 आएगा। कितना आएगा, 13। तो x हमारे पास आ गया 13। कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए इस x के प्लेस में हम 13 लिख सकते हैं, बताइए सही है, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 13, अब यहाँ पे भी हम 13 लिख सकते हैं, 13 बताइए सही है। और 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 13 जाएगा तो बचेगा 12। कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हमारा जो क्यू आर है वो 12 आ गया, और जो हमारा पी आर है वो कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो मैं थोड़ा इसे इरेज करूंगा, जो जिसे भी उतारना उतार सकता है, ओके। चलिए अब जल्दी से साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है साइन पी, तो देखिए साइन पी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए साइन कितना होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है ना साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात मैंने आपको समझा रखी, पढ़ा रखी है, अगर आप नहीं देखी इसके इसके पहले के पार्ट तो आप देखिए, स्पेशली फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अब देखिए यहाँ पे डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा। तो देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि साइन पी है, यानी कि एंगल हमारा क्या बन रहा है, पी पर बन रहा है। याद रखिएगा साइन के आगे, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे लिखा होगा, इसके आगे जो भी चीज़ होगी वो हमारा एंगल होता है। तो एंगल बन किस पर रहा है, एंगल बन रहा है हमारा पी पर। ये पी है ना हमारा, पी यहाँ भी पी है, तो एंगल बन रहा है पी पर। तो एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा होगा क्यू आर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला फिक्स रहता है, तो परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, बचा क्या, बचा हमारा बेस। तो हमारा ये क्या होगा, ये होगा हमारा बेस, इसे याद रखिएगा, क्लियर है बात। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, क्यू आर। तो परपेंडिकुलर के बेस पे क्यू आर, क्यू आर कितना, 12। तो ये आ गया 12। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला 13। तो हमारे पास देखिए साइन पी की वैल्यू निकल के आ गई, ओके। अब हम निकालेंगे कॉस पी की वैल्यू, तो देखिए कॉस पी की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस पी, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ये, बेस हमारे पास कितना है 5, तो बेस के प्लेस पे 5 है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी कि 13। तो देखिए कॉस पी की वैल्यू भी निकाली, अब हमारे पास क्या है, टेन पी, क्या है हमारे पास, 10p। तो देखिए 10p की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाली, यानी कि जो एंगल बन रहा है पी, जो एंगल बन रहा है ना, ये पी है ना यहाँ पे, तो पी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए। अच्छा पहले आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 भी तो होगा, और बेस कितना है, बेस हमारा है 5, ओके। ये बात समझ में आई, यानी कि जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है उसके सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और जो बचता है वो बेस होता है। तो देखिए हमारे तीनों आंसर आ गए, तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है अब पूरी तरीके से खत्म होता है, ओके।